let's do question number twenty third of exercise 3 b that is linear equation two variable question number twenty third is solve for x and y ham x or y key values hai. first equation is 5 upon x minus 3 upon y equals to 1 or second equation is three upon 2 x plus 2 upon 3 y equals to 5 where x and y is not equals to 0. अब आप देखेंगे ये थोड़ा नया है लास्ट क्वेश्चन से तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी फाइव अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन वाई इक्वल्स टू वन और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकेंड इक्वेशन थी थ्री अपॉन टू एक्स प्लस टू अपॉन थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी तो हम अपॉन के क्वेश्चन में अभी तक वन अपॉन कुछ भी हो तो उसको एक वेरिएबल मान लेते थे तो लेट वन अपॉन एक्स हमारा ए के इक्वल आ गया एंड वन अपॉन वाई हमारा बी के इक्वल आ गया तो ये कितना हो गया हमारा फाइव ए माइनस थ्री बी इक्वल्स टू वन ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन राइट फोर्थ इक्वेशन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये आया थ्री अपॉन टू ए प्लस टू अपॉन थ्री बी इक्वल्स टू फाइव एल सी एम लेंगे थ्री और टू दोनों अलग अलग हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए अब इस वाले थ्री की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इस वाले टू की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ राइट तो ये आया थ्री इन थ्री ए प्लस टू इंटू टू बी इक्वल्स टू फाइव राइट तो ये आया नाइन ए प्लस फोर बी अपॉन सिक्स इक्वल्स टू फाइव अब ये सिक्स इधर चला गया मल्टीप्लाई में तो ये आ गया नाइन ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू फाइव इंटू सिक्स तो हम इसको लिख सकते हैं नाइन ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू थर्टी ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन राइट तो हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई फाइव ए माइनस थ्री बी इक्वल्स टू वन ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी और फोर्थ इक्वेशन आई थी नाइन ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू थर्टी तो हमने लिखा नाइन ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू थर्टी ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन राइट अब आप देखेंगे यहाँ पे थर् थ्री और फोर दोनों कॉफिशेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है और हम अगर आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हम इक्वलाइज कर सकते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए तो हमने थर्ड इक्वेशन को फोर से और फोर्थ इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाय फोर थ्री को फोर से एंड इक्वेशन फोर बाय थ्री right? राइट तो ये कितना आ गया फोर फाइव जो ट्वेंटी है माइनस ट्वेल्व बी इक्वल्स टू फोर और ये आ गया नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन है प्लस ट्वेल्व बी इक्वल्स टू नाइन्टी अब देखिए यहाँ पे ट्वेल्व बी जो है दोनों अपोजिट साइन है तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है तो ये क्या आ गया ये कैंसिल हो गए अब ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन दोनों प्लस के हैं तो ये आ गया फोर्टी सेवन ए इक्वल्स टू नाइन्टी फोर ये दोनों भी आपस में प्लस हो जाएंगे तो ए कितना आ गया नाइन्टी फोर डिवाइडेड बाय फोर्टी सेवन अब फोर्टी सेवन टू जा नाइन्टी फोर होता है अब ए की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में रख ली पुटिंग ए इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन थर्ड तो ये कितना आ गया फाइव इंटू टू माइनस थ्री बी इक्वल्स टू वन तो ये कितना आ गया टेन माइनस थ्री बी इक्वल्स टू वन माइनस थ्री बी कितना आ गया वन माइनस टेन तो माइनस थ्री बी कितना आया माइनस का नाइन माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो बी कितना आ गया नाइन अपॉन थ्री डैट इज थ्री आप देखिए वन अपॉन एक्स हमने ए के इक्वल माना था तो वन अपॉन एक्स किसके इक्वल हो गया टू के तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो वन आ गया टू एक्स के इक्वल और एक्स आ गया वन अपॉन टू के इक्वल क्योंकि ये जो टू था ये यहाँ अपॉन में आ जाएगा इधर की साइड क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था एक्स के साथ तो इधर आके डिवाइड हो गया राइट इसी तरीके से वन अपॉन वाई हमने बी के इक्वल माना था तो वन अपॉन वाई थ्री के इक्वल हुआ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन इक्वल्स टू थ्री वाई तो वाई किसके इक्वल आ गए वन अपॉन थ्री के तो हेंस एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू और वाई की वैल्यू आ गई वन अपॉन थ्री इज द आंसर